आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 38वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम पिछले साल के प्रश्नों को कवर करते हैं। यह आपके सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प, 5 सेकंड का टाइमर, और कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये दिखाया जाएगा। तो आपको अपना उत्तर इन्हीं 5 सेकंड के दौरान देना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना उत्तर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या फिर चुने जाने वाला या फिर वाली एकमात्र भारतीय कौन था या फिर थी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी, चाहे मेल या फिर फीमेल, कोई भी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया और वो भारतीय है, ये कौन है इनमें से। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है कई परीक्षाओं में, दो बार, एक बार इनकम टैक्स में और एक बार सीजीएल टायर 1 में। अब देखिए, आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, बताइए इसी में। सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये पहली महिला थी जो कि यूएन में चुनी गई थी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यहाँ पे आपके 4 विकल्प है, और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। अगर पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो यह है श्रीमती सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। अब देखिए, सरोजनी नायडू जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई तो ये इनका जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 49 था, लेकिन आगे मतलब जब इनकी एक बेटी थी उनका नाम था पद्मजा नायडू, ये पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनाई गई थी करीब करीब 1966 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उनकी बेटी से रिलेटेड। अगला है कि जब भारत और रूस के बीच में मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जोड़ना चाहिए था कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, क्योंकि पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तब भारत और रूस के बीच में जो पहली संधि हुई उस समय कौन था। तो उस समय रूस के जो नेता थे ये थे निकिता खुश्वेच थे, और ये 1953 में ये समझौता हुआ था। अगर आप रूस को देखेंगे तो रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है, तो कई सारे समझौते हुए हैं, लेकिन पहला जो समझौता हुआ था 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2012, और एक बार और, मतलब कि दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। देखिए, सोवियत संघ में कहा गया है, सोवियत संघ में, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, इनको अध्यक्ष भी वहां पे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। जो बॉर्डर है ये किसके द्वारा बताया गया है, ये दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा गया था, बताइए। देखिए, ये सीमांकन किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसीलिए हम इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करें तो इसको हम मैकमोहन बॉर्डर कहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसको हम सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाया गया था, इसको रेडक्लिफ बॉर्डर बोला जाता है। अगर आपसे कभी डेट पूछ ले तो ये कब किया गया था, तो 1947 में 17 अगस्त 1947 में। अगला है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में पहला शांति और मित्रता की संधि किस वर्ष काठमांडू में हुई थी। ये आपके ऑप्शंस है, और 5 सेकंड समय। देखिए, ये हुआ था 1950 में ही, क्योंकि नेपाल भारत का बहुत ज्यादा पड़ोसी देश है,
तो इससे जो समझौता हुआ काठमांडू में हुआ था, जो कि नेपाल की राजधानी है, और ये हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखिए जब ये हस्ताक्षर हुआ, जो शिमला समझौते की बात हम कर रहे हैं 1972 में, उस समय अभी वहां के प्रधानमंत्री नए नए निर्वाचित हुए थे, और उनका नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, डेट था, समय है 1972, ये जो बांग्लादेश जब पाकिस्तान से कट के बना तब की बात है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, पंचशील सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? देखिए, अगर आप मतलब कि भगवान बुद्ध के चक्कर में हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। पंचशील में सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह एक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की गई है, उसमें से पांच बातों पे ध्यान दिया गया था। देखिए, अगर हम पांच बातों को बताएं तो यहाँ पे जो पहला है ये था कि एक मतलब हम अपने पड़ोसी देश का मतलब सभी देश एक दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। जो दूसरा था कि कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, ठीक है। जो तीसरा था कि आक्रामक नीति कोई नहीं रखेगा। आक्रामक मतलब कि अगर कोई हमारा पड़ोसी कमजोर है तो हम उसको दबा के नहीं रखेंगे, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमसे बड़ा है तो वो भी हमको दबा के नहीं रखेगा। चौथा था कि समानता और परस्पर लाभ, ठीक है। और पांचवा था शांतिपूर्ण व्यवहार। तो ये जो पांच सिद्धांत दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2013 में। अगला है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? एमटीएस का क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है 1972। अब देखिए, ये जो कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम आया था ये 1972 में आया था। कहीं कहीं आपको ये पारित हुआ 72 में, लेकिन जब ये पूरी तरह लागू होने की बात अगर पूछी जाए आपसे तो सही उत्तर होगा 1974, मतलब संसद में पारित हुआ कब? 1972 में। ये क्वेश्चन एमटीएस का है, 2013 में पूछा गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ, कब हुआ था? जैसा कि हमने आपको पंचशील के बारे में बताया है, ये भारत और चीन के बीच में कब लागू किया गया ये आपसे पूछा गया है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 1954 होगा, लेकिन अगर हम डेट की बात करें तो ये था 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए सीजल टायर 1 में 2015 में, और एक बार CPOSI में 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दौर पे आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पता होगा आपको कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट ही होता है, जो कि दो बार इलेक्ट किया जा सकता है और एक बार उसका 4 साल का पद होगा, ठीक है। अब इसमें से कौन है जो कि पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है जो कि भारत आया, बताइए। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा डी डी आइजन हावर, मतलब कि ड्वांट डी आइजन हावर। ये 1959 में, 1959 में भारत आए थे। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में इनका कार्यकाल क्या रहा, तो 1953 से लेकर के 1961 तक, इसी दौरान मतलब इसी बीच में ये भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? देखिए, कई सारे रजवाड़े थे और उनको उनके इच्छा पर आधार उनके इच्छा के आधार पर छोड़ा गया था, लेकिन इनमें से कौन है जो कि सम्मिलित नहीं हुआ स्वतंत्रता के बाद? ये था हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद को जब कहा गया कि आप खुद ब खुद इसमें सम्मिलित होइए,
तो वहां के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया, तो वहां पे सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसे शामिल किया गया, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे और नवाब नहीं चाहते थे, तो ये सैनिक कार्रवाई के द्वारा इनको शामिल किया गया। उस समय जब भारत आजाद हुआ 1947 की बात कर रहे हैं, तो लगभग 552 देसी रियासत थी। प्रथम गृहमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये काम सौंपा गया कि आप इसे एक में करिए। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार प्रधानमंत्री रहे, अंतरिम सरकार में भी और उससे बाहर भी। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था, आप बताइए कि वो कब तक रहे। देखिए, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री रहे, और इसके लिए सही उत्तर होगा 1964। ये करीब करीब 16 साल 286 दिन, इतने दिन ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे। इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ 1951, 57 और 62, ये तीनों चुनाव कांग्रेस जीती और ये इतने साल तक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल मेन एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। देखिए, यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आपको आप इन 5 सेकंडों में अपना उत्तर बता पाएं। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और 1963 में ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था। अभी हम इनके बारे में बताए हैं, बताइए आप, ये क्वेश्चन सीजीएल टायर वन में पूछा गया था। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय अंतरिम सरकार में, जब मतलब कि 1947 में सरकार बनी तो उसे अंतरिम सरकार कहा गया, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था पूरी तरह से, अपना संविधान नहीं था। तो उस समय जो अंतरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री बनाए गए थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के जिम्मे था कि जो 552 रियासतें हैं आप इनको एकीकृत करिए। इसीलिए इनकी स्टैचू बनाई गई है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। ये आपके विकल्प यहाँ पे है, प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला ये क्वेश्चन कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है स्वतंत्र भारत के, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, इंडियन यहाँ पे लगा दिया जाए, इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, क्योंकि माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बनाए गए। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सी राजगोपालाचारी के बाद किसको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो किसी को नहीं, क्योंकि ये पद समाप्त कर दिया गया और उसी के पद जगह पे प्रेसिडेंट का पद आया। मतलब तब तक संविधान बन चुका था और संविधान में गवर्नर जनरल का पद नहीं था, तो अब प्रेसिडेंट हो गए, तो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि आते हैं बिहार से। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था, ये सीजीएल टायर वन का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो इसके समय जो भारतीय सेना के प्रमुख थे, इनका नाम था मैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ है ये सैम मानेकशॉ है, जो कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान से, उसमें प्रमुख थे। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर वन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे ए आजम के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम है, किनका उपनाम है ये कायदे आजम। कायदे आजम कहने का मतलब होता है महान नेता, और ये है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा ए कौम, कायदे आजम, कई नामों से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, रूस में भी जो पावरफुल पद है ये प्रेसिडेंट का ही होता है, हालांकि वहां पे प्रधानमंत्री का भी पद होता है, तो आपको प्रधानमंत्री ही बताना है, सीजीएल टायर वन का ये क्वेश्चन है।
ये थे निकोलाई बुल्गानिन। निकोलाई बुल्गानिन ये जून 1955 में भारत आए थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे इंडिया के। सीजल टायर वन। अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, मतलब भीमराव अम्बेडकर मंत्री थे, इनके पास कौन सा विभाग था? सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। ये थे कानून मंत्री, भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे और इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया 1990 में, भारत रत्न। अगर आप भारत रत्न को देखेंगे तो ये नागरिक सम्मान है जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मतलब इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है किसी नागरिक को देने वाला। और अगर सैनिक में देखेंगे तो यह है परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सीजीएल सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। सही उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि इस पद पे लगभग लगभग 10 सालों तक रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मतलब जब 1964 में इनकी मृत्यु हो गई तब एक व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है तो आपको बताना होगा। सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। देखिए गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया है, तो ये बनाए गए थे। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार ये लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? मतलब जब भारत ब्रिटिश के अंडर में था तभी बर्मा अलग हो गया। अब आपको बताना है कि कब। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। देखिए बर्मा के भारत से अलग होने की एक लंबी कहानी है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, 1919 में मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इन दोनों रिफॉर्मों का अध्ययन करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट लगाया तब इसने अपनी रिपोर्ट में, जो कि इसकी रिपोर्ट 1935 में आई थी, इसने अपनी रिपोर्ट में बर्मा को अलग करने की सिफारिश की, जो कि 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। तो देखिए आपका जो विकल्प है ये 1935 वाला ही सही मिल रहा है। 2015 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जो सचिवालय है उसके बारे में पूछा गया है। सीजीएल में ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर है हबर्ट बेकर्स। हबर्ट बेकर्स जो कि वास्तुकार लुटियंस थे उन्हीं के सहायक थे। अगर आपको नहीं पता तो जो संसद भवन है ये लुटियंस के द्वारा ही बनाया गया था। आप देखेंगे कि दिल्ली के उस क्षेत्र को लुटियंस जोन भी कहा जाता है। तो जो प्रेसिडेंट वाला प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति भवन है उसी समय बना था, लेकिन जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का सचिवालय है ये बनाया गया था हॉवर्ड वेकर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु इनकी उपाधि है, देश बंधु और दीन बंधु कन्फ्यूजन बनी रहती है यहाँ से। देखिए देश बंधु है सी आर दास। ये बंगाल के एक वैद्य थे, मतलब कि डॉक्टर थे, और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1922 में कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ, तो गया में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सी आर दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज पार्टी जब बनाई गई थी 1913 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो उस समय उसके महासचिव बनाए गए थे सी आर दास। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित किया था? इनमें से कौन? एमटीए का क्वेश्चन है ये, बताइए, तुरंत कमेंट करके बता दिया करिए। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा भीमराव
अंबेडकर, दलित वर्ग संस्था का आयोजन किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और ये कब? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली एमटीएस का क्वेश्चन है ये। देखिए जाहिर सी बात है कि जहां पे रहे होंगे वहीं पाया जाएगा, और अगर इसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा संबंध उनका गोवा से रहा, क्योंकि गोवा को बहुत बाद में यानी कि 1961 में आजाद कराया गया। पूरा भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, नाम याद रखिए, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। दरअसल क्या था कि इनकी जो नेवी थी ना, ये बहुत पावरफुल थी। अगला है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? कौन वायसराय था जब भारत स्वतंत्र हुआ, बताइए। सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हीं के वायसराय काल में भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद के बारे में, मतलब इसका संबंध किससे है? समाजवाद के बारे में कहा गया है, समाजवाद तो ये कामगार जो मजदूर थे उनका आंदोलन था, जो 18वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में ये आंदोलन को फला फूला। ये 2014 एमटीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए यहाँ पे देखिए एक नाम है सर सैयद मुर्तजा खान और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये इनके आगे दिया गया है। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है, सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सर सैयद मुर्तजा खान के द्वारा नहीं बनाया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया। तो कहा गया है कि जो गलत है उसी को बताइए, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये है आपके विकल्प, बताइए। देखिए होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति हुई जब यहाँ पे, तो इसकी आवाज ब्रिटेन तक सुनाई दी। तब वहां के राजाओं को लग गया कि अब ऐसा नहीं चल सकता कि आप भारतीयों को दबा करके रखें। तो उसके लिए जो वहां की रानी थी उन्होंने एक उद्घोषणा किया, और इसके लिए जो शाही दरबार लगाया गया ये लगाया गया था इलाहाबाद में। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 2011 का क्वेश्चन है। अब इसके लिए सही उत्तर होगा जयपुर स्थित जंतर मंतर, क्योंकि 2010 के अंतिम में यूनेस्को ने जयपुर का जो जंतर मंतर है इसको अपने सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? यह आपके विकल्प है और आपका 5 सेकंड। देखिए ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था, और गांधी जी ने कहा था कि लोग जो धर्म के, धर्म को और राजनीति को अलग अलग मानते हैं, मतलब कि ऐसा कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जो कि धर्म का भेदभाव करे। ये 2013 में पूछा गया था। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, आपको बताना है कि वह उपन्यास कौन है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसी से लिया गया है। पहले तो आप ये बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय गीत है क्या, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, बताइए। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, इसको हम 52 सेकंड में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ले लीजिए, तो ये लिया गया है आनंद मठ से, और ये आपको बताना होगा कि वंदे मातरम का टाइम पीरियड कितना है। वंदे मातरम को अगर गाया जाए तो कितने समय में इसको गाया जा सकता है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। अगला है कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से कहा जाता है, मतलब किसका उपनाम फ्रंटियर गांधी है?
फ्रंटियर क्रांति के हम नाम से जानते हैं खाल अब्दुल गफ्फार खान को। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। अगला है कि झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी बताइए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में इनका नाम आया था और ये हैं लक्ष्मी बाई। बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2013। ये क्वेश्चन देखिए अगला कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को बताता है। आपको बताना है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन है। देखिए नील दर्पण के रचनाकार थे दीन बंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बताइए। ये किया गया था सर चार्ल्स विकिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं। ये इन्होंने एक शहर का डिजाइन किया है। आपको बताना है कि वो शहर कौन सी है। ये क्वेश्चन एसएससी एएसआई परीक्षा में पूछा गया था। देखिए ये शहर है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे लुटियंस जोन भी है जो कि एडविन लुटियंस के द्वारा, और अभी आपने देखा सचिवालय वाला भाग तो ये हॉबर्ट बेकर के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में माना जाता है, किसको किसका उपनाम है। ये उपनाम है लोधी गार्डन का। ये सीजीएल टायर वन 2020 में 3 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो कि वर्तमान में छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल है, ये मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था, कब बनाया गया था। ये 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टायर वन में भी, वो भी कब बनाया गया था। तो ये बना था 1878 से लेके 1888 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आने बाकी हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैंप ये किसका उपनाम है। लेडी विद द लैंप, देखिए रात के समय लैंप लेकर के ये जो लोग थे उनकी सेवा करते थे, और इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगल। इन्हीं को कहा जाता है लेडी विद द लैंप। ये क्वेश्चन देखिए 2004-2013 कई बार ये पूछा गया है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। डेजर्ट फॉक्स बताइए। देखिए अगर द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर ही रहे हैं तो ये हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। 45 में 6 और 9 अगस्त को दो बम गिराए गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, तो तब जाके ये खत्म हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था वो कौन है, तो ये था रोमले। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया। अगला है कि स्वतंत्रता समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, एक बार यहाँ, फिर 2011 में, फिर 2014 में, फिर 2016 में। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एसएससी में आया है तो रेलवे में नहीं पूछेगा, वहां पर भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता समानता और भाईचारा यह है फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, ठीक है, लुई 16वें के समय पे। तो इतना काफी है। अगला है कि किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ। चीन की महान दीवार को आप जानते ही हैं, तो बस आपको ये बता देना है कि ये किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। ये हुआ था चीन के शासनकाल में। सीजीएल टायर वन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। एमटीएस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है।
ये आसान क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया। अभी हम, अगर आपको याद हो तो पिछले पेज पे हम बताए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो जाहिर सी बात है कि पहले 6 अगस्त, 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा में, 9 अगस्त को फेंका गया था नागासाकी में, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जापान पे गिराया गया और अमेरिका ने गिराया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका की खोज किसने की, बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा, भारत की खोज वास्को डिगामा, कब, 1498। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन जितना है महत्वपूर्ण होगा उतना ही बार पूछा गया होगा। अब ये बताइए, पाब्लो पिकासो थे कहाँ के, ये थे स्पेन के। ठीक है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, हम आपका समय बचाने के लिए उत्तर देते चल रहे हैं। अगला है कि मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था कहाँ पे, मत पत्रों को मतलब चुनाव वाले, मतदान वाले, मत पत्रों को लगभग लगभग 139 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, इस्तेमाल में लाया गया था कहाँ पे, प्राचीन यूनान में, प्राचीन यूनान में 139 BC। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या मतलब है, गुट निरपेक्षता का, ये 10+2 में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है 1961 में, और इसका मतलब है कि शांति गुटों के प्रति तटस्थता, शांति गुटों के प्रति तटस्थता, ये इसका मतलब है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करिए, इस तरह के और सारे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF चाहिए तो इस तरह के सारे वीडियो का PDF आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है।